हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरी टेक्निकल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा सीलिंग फैन को कैसे रिपेयर करें और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो पर बने रहे, लास्ट तक देखिए, जानिए, समझिए, सीखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपको इसका जो कॉइल है इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, इसका ऊपर जो ये केप लगा रहता है, ये जो इसके ऊपर का जो रहता है लगा रहता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो इसका जो वायर है, ये जो वायर इसका अंदर में यहाँ से निकला रहता है, किसी किसी में ये कट नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरह से अंदर डाल के यहाँ से आपको बाहर वायर को निकालना पड़ेगा, ठीक है। निकाल के अंदर ही नहीं तो अंदर में लगा के रखिएगा, उसके बाद में बैक साइड में करके यहाँ जोर से मारिएगा तो ये वाला जो प्लेट है ये निकल जाएगा, ठीक है। निकलने के बाद में आपको इस तरह से कुछ नज़र आएगा। तो इस तरह से नज़र आने के बाद में इसमें आप लोगों को जानना है कि पहले क्या चेक करना है, जिससे क्या प्रॉब्लम है, जिससे पंखा चल नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका अंदर जो तीन लुक रहेगा, ठीक है, इसको सिरिंज में टेस्ट करना है। पहले सिरिंज बोर्ड से यहाँ लगाइएगा, फिर एक यहाँ लगाइएगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको जो 100 वाट का जो बल्ब है सिरिंज बोर्ड में जो लगा रहता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा सिरिंज बोर्ड कैसे बनाया जाता है और कैसे ये काम करता है। तो ये वाला जो बल्ब है ये सिरिंज में जलना चाहिए, तो आपका कॉइल बिल्कुल ओके है। और जब ये तीनों लुक में आप टेस्ट कीजिएगा तो तीनों का ये बल्ब जलना चाहिए। अगर किसी एक लुक में, अगर मान लीजिए ये जो ब्लैक वाला व्हाइट में अगर आप सिरिंज बोर्ड का कनेक्शन लगा रहे हैं और ये जो बल्ब है ये नहीं जल रहा है, तो समझिए एक जो वायर है वो यहाँ से कटा हुआ है या टूटा हुआ है, ठीक है। तो इसका कॉइल को चेक करने का यही तरीका होता है कि आप अगर व्हाइट वाला आप ब्लैक में लगाइएगा तो सिरिंज लैंप जलना चाहिए, हल्का सा जलना चाहिए। फिर ये व्हाइट वाला चाहे रेड में लगाइए, चाहे ब्लैक वाला, चाहे इसमें लगाइए, किसी में भी लगाइए, आपको इसमें सिरिंज जलना चाहिए, ये इंडिकेटर शो करना चाहिए, तब समझिए आपका कॉइल बिल्कुल ओके है। उसके बाद में कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपका बेयरिंग जाम हो जाता है और जिसके कारण पंखा घूमता नहीं है, ठीक है, तो ये भी होता है, कॉइल बिल्कुल ओके रहता है। तो आपको सेम पहले आपको ये जो कॉइल का जो वायर है इसको टेस्ट करना है। अगर ये टेस्ट कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा मेरा कॉइल बिल्कुल ओके है। तो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा कॉइल। उसके बाद में दोस्तों आप इस तरह से इसको निकालिएगा, लेकिन दोस्तों इसको जो निकालने वाला सिस्टम रहता है ये जिस तरह से निकालिएगा उसी तरह से फिर इसको लगाना पड़ेगा, ये घूमना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको फिटिंग में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कॉइल को टेस्ट कर लीजिएगा सिरिंज लैंप से। और ये जो बेयरिंग है इसको निकालने का एक आता है, वो उससे निकाल सकते हैं। अगर वो वाला नहीं है तो आपको बेयरिंग निकालने का वो वाला जुगाड़ नहीं है, तो आपको इसको इस तरह से उल्टा करके और एक छेनी की मदद से यहाँ पर छेनी को लगा के इधर में हथौड़ी से मारिएगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। और नीचे वाला जो बेयरिंग है उसको निकालने का तरीका है, इस तरह से करके इधर इधर मारिएगा तो ये कॉइल ऊपर आ जाएगा, लेकिन ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। और इसका जो कॉइल है ये देखिए, अगर बाय चांस कॉइल जैसे कि ये देखिए एक वायर इसका टूटा हुआ है, इसको क्या करेंगे दोस्तों कि जैसे कि ये दोनों ये न्यूट्रल है, दोनों एक यहाँ से लुक आता है, एक यहाँ से लुक आता है। तो आप क्या कीजिएगा, अगर इसको टेम्परेरी अगर रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो इसका एक जो लेग है कोई भी साइड वाला उसको स्क्रैच करके इसको कनेक्ट करके आप इसको सीरीज में टेस्ट कीजिएगा तो ओके होगा, ठीक है। अगर ओके मिल जाता है तो आपका ये पंखा चलने लगेगा। ये आपको अंजात से इसको यहाँ पर स्क्रैच करके लगाना होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रीविंडिंग के लिए फिर से नया विंडिंग करा सकते हैं।